आज के टाइम पर जितने भी फोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें एआई का नाम जरूर ऐड किया जा रहा है, बल्कि एआई एक सॉफ्टवेयर फीचर है जिसको पुराने फोन में भी दिया जा सकता है, पर ब्रांड्स को अपने नए फोन भी तो बेचना है। ऐसा ही एक फोन आज Realme 13 Pro मेरे पास है, जिसमें Realme 12 Pro के कंपैरिजन में कुछ अपग्रेड्स हैं, कुछ डाउनग्रेड्स हैं और एआई का नाम ऐड करके एक नए नाम से फोन लॉन्च कर दिया है। तो चलिए आज इस फोन का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। फोन में दोनों तरफ से कर्व वाली डिजाइन मिलती है, बैक साइड में वीगन लेदर और ग्लास दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि रियलमी ने एक अच्छा काम किया है। मेरे पास ग्लास वाला मॉडल है, अगर आप वीगन लेदर वाला फोन खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो, पर उसके लिए आपको ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। कैमरा डिजाइन फोन को और ज्यादा प्रीमियम बना देता है, जो कि पहले की तरह सेम है, बस कैमरा बम्प थोड़ा और बड़ा कर दिया है। फोन की बॉडी मेटल की तरह फील देती है, पर ये प्लास्टिक है। फोन के राइट साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन मिल जाते हैं, नीचे की साइड स्पीकर ग्रिल, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे मिल जाती है। सिम ट्रे में सिर्फ आप डुअल सिम ही लगा पाओगे और टॉप पर सेकेंडरी माइक और स्पीकर मिल जाता है। 3.5 हेडफोन जैक और आईआर ब्लास्टर जैसा ऑप्शन फोन में देखने को नहीं मिलेगा। फोन काफी हैंडी है, 190 ग्राम इसका वेट है। फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि आजकल कॉमन है। वैसे डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए पन्नी चढ़ी हुई मिल जाती है, बाकी टेम्पर ग्लास तो आप लगवाओगे ही। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i मिल जाता है, जो कि आर्मर शील्ड प्रोटेक्शन के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, पर इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर होती तो अच्छा रहता। फोन में 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और यहाँ पर रिफ्रेश रेट 1:120 हर्ट्ज वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यूआई पर और जितने भी सिस्टम ऐप हैं उनमें 120 हर्ट्ज ही देखने को मिलेगा, पर बाकी के ऐप पर अलग अलग रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। जैसे यूट्यूब पर 60, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर 90, एक्स पर 120 हर्ट्ज, पर सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ठीक हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं, जब से मैं ये फोन यूज कर रहा हूं तब से इसमें 2 अपडेट आ चुके हैं, पर अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ है। पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की मिल जाती है, जो कि आप कभी यूज नहीं कर पाओगे। एक्चुअल ब्राइटनेस 1200 निट्स की मिलती है, जो कि डे टू डे लाइफ में आपके काम आएगी। प्रैक्टिकली आउटडोर में डिस्प्ले काफी ब्राइट है। PWM डिमिंग ब्राइटनेस का ऑप्शन भी फोन में मिल जाता है। डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट विविड पर आता है, जिससे कलर पंची और बूस्टेड दिखाई देते हैं, जिससे फोन में फोटोज और वीडियो देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। लेकिन जब आप फोटोज को या वीडियोस को सोशल मीडिया पर या कहीं दूसरे को शेयर करते हो तो वहां पर अलग कलर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल कलर पसंद है तो डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर नेचुरल पर सेट कर सकते हो। यूट्यूब पर 4K वीडियो स्मूथली प्ले हो रहे हैं, पर फोन में HDR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आप यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर कहीं भी HDR कंटेंट नहीं देख पाओगे, जो कि इसकी एक कमी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में या इससे कम प्राइस में भी जो फोन आते हैं उनमें कई फोन में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर के जरिए Realme इसे फ्यूचर में ऐड कर दे, पर जब लास्ट टाइम Realme 12 Pro लॉन्च हुआ था तो उसमें HDR का ऑप्शन था, पर अपडेट के बाद HDR का ऑप्शन हटा लिया गया था, तो इसमें भी ऐड किया जाएगा उसकी गारंटी बहुत कम है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, एज लाइटिंग जैसे फीचर मिल जाते हैं और आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो। फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो सुना आपने, साउंड बैलेंस है, लाउड है और साउंड की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। IP65 की रेटिंग मिल जाती है, तो धूल और मिट्टी से तो आपका फोन बच जाएगा, पर पानी से आपको इसे बचाना पड़ेगा, पर हल्के फुल्के छींटे फोन सहन कर लेगा। साथ ही फोन में रेन वाटर टच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो आप बारिश में या गीले हाथ से फोन को चला पाओगे। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए फोन में स्नैपड्रैगन 7A Gen 2 देखने को मिल जाता है, जो कि Realme 12 Pro से थोड़ा अपग्रेड है। लेकिन बता दूं, ये वही प्रोसेसर है जो Realme 12 Pro प्लस, Redmi Note 13 Pro, Poco X6 जैसे फोन में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इसका Antutu स्कोर 6.5 लाख के आसपास आता है और इस प्राइस रेंज में इससे बेटर परफॉर्मेंस वाले फोन मिल जाते हैं। फोन में UFS 3.1 स्टोरेज और LPDDR4X रैम देखने को मिल जाती है। रैम एक्सपेंशन वाला फीचर भी देखने को मिल जाता है, पर उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं भी आपको इस फोन को यूज करने में स्लो वाली फीलिंग नहीं आएगी। डे टू डे टास्क जैसे कि मल्टीटास्किंग, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग, कैमरा यूज करना, सोशल मीडिया यूज करना जैसे काम में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। फोन के CPU थ्रोटल टेस्ट के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। हमने इसमें अलग अलग टाइमिंग पर थ्रोटल टेस्ट करके देखा, 15 मिनट और 30 मिनट वाले थ्रोटल टेस्ट का रिजल्ट सेम देखने को मिला है, 78%, पर जब 1 आवर वाला थ्रोटल टेस्ट किया था तो वहां पर 72% का रिजल्ट देखने को मिला,
जो कि ठीक है, आप फोन को जितना लंबे समय तक यूज करोगे उसके हीट होने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। फोन में VC कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि आपके फोन को ये हीट होने से बचाएगा, साथ ही अगर फोन कभी हीट हो जाता है तो उसे कूल भी जल्दी कर देगा। परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो गेमिंग की बात कर लेते हैं। गेमिंग के लिए हमने इसमें BGMI प्ले करके देखा और BGMI इसमें आसानी से प्ले हो जाता है, पर ये फोन गेमर को टारगेट नहीं करता है। अगर आपको गेमिंग ही करना है, ज्यादा लंबे समय तक गेमिंग करना है, तो इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे। BGMI में ग्राफिक सेटिंग HDR पर 60fps का सपोर्ट मिल जाता है, पर स्मूथ पर 60fps गेम थोड़ा ज्यादा बेहतर चलता है। जायरो प्लेयर हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस फोन को टेस्ट करने के लिए हमने इसमें BGMI भी प्ले किया। जिस लेवल का इसमें चिपसेट देखने को मिलता है उस हिसाब से परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। BGMI में फ्रेम ड्रॉप या लैगिंग इशू देखने को नहीं मिला है। एवरेज FPS की बात करें तो 50-60 FPS देखने को मिल जाता है। फोन के सॉफ्टवेयर पर आते हैं और सॉफ्टवेयर में AI की बात भी करना पड़ेगा। Android 14 बेस्ड Realme UI 5 इसमें देखने को मिल जाता है, साथ ही 2 मेजर OS अपडेट और 3 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट भी मिलता है। फोन में बहुत सारे ब्लोटवेयर, हॉट एप्स, हॉट गेम के फोल्डर देखने को मिल जाते हैं। Realme का ऐप स्टोर भी देखने को मिल जाता है और उस पर गलती से भी क्लिक नहीं करना है, वरना बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये दिन में कई बार नोटिफिकेशन देकर परेशान भी करता है। लॉक स्क्रीन पर ग्लांस डिफॉल्ट सेट हुआ मिल जाता है। होम स्क्रीन पर जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर भी ऐप सजेस्ट होते हैं, तो फोन में ऐड की कोई कमी नहीं मिलेगी। पर अगर आप कुछ सेटिंग कर लेते हैं तो सब कुछ क्लीन भी हो जाता है। इसके अलावा फोन में एनिमेशन में भी कुछ कमी देखने को मिली है। जब हम कुछ नए ऐप को ओपन करते हैं तो वहां पर एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। Realme UI में फीचर की तो कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, ऐप हाइड, स्लाइड बार जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अब फोन के AI फीचर की बात करते हैं, जो कि फोन का सबसे हाइलाइटेड पार्ट है। तो इसमें AI रिमूवर मिल जाता है, जिससे आप किसी भी फोटो के ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। तो ये कई बार तो बढ़िया काम कर लेता है, पर कई बार इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाता है। फिर इसमें AI अल्ट्रा क्लियरिटी नाम से एक फीचर मिलता है, जिसमें आप किसी फोटो की क्वालिटी बढ़ा सकते हो। अगर आपके पास कोई ब्लर फोटो है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी एनहेंस कर देता है, पर ये भी इतने बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है। और ये जो AI फीचर है, ये आप कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो उनमें अगर AI फीचर नहीं है तो आप गूगल फोटोज ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ये फीचर बहुत पहले से देखने को मिल रहे हैं और इससे बेहतर ही देखने को मिल रहे हैं, और आप किसी भी फोन में उनको यूज कर सकते हो। फोन में बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, पर इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ओडायलर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इस फोन के कैमरे की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैमरा इस फोन का काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। रियलमी अपनी नंबर सीरीज में कैमरे पर ज्यादा फोकस करता है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 2 megapixel का मैक्रो कैमरा मिल जाता है, और नीचे की साइड हाइपर इमेज प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पर इस फोन में जो सबसे बड़ी कमी है, इस बार टेलीफोटो लेंस हटा लिया गया है। रियलमी 12 प्रो में 32 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता था, तो ये इस फोन का सबसे बड़ा डाउनग्रेड है। तो अब इसकी कमी जूम के साथ फोटो लेने में और पोर्ट्रेट शॉट लेने में फील होगी। प्राइमरी कैमरे में फोटो काफी बढ़िया देखने को मिल रही, फोटो में डिटेल काफी बढ़िया है, बस थोड़ा सा कलर बूस्ट देखने को मिल जाता है जब कोई डार्क कलर आते हैं, जैसे ग्रीन कलर आता है या रेड कलर आता है। बाकी अगर आप डिटेल देखोगे, फेस पर देखोगे या बैकग्राउंड में देखोगे, डिटेल काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। एक्सपोजर ठीक देखने को मिल रहा है, कलर भी हम ठीक बोल सकते हैं, नेचुरल कलर देखने को नहीं मिलते हैं, और इस प्राइस रेंज में कोई भी फोन हो नेचुरल कलर इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। 8 megapixel के अल्ट्रा वाइड कैमरे से भी ठीक ठाक अल्ट्रा वाइड शॉट आ रहे हैं, डायनामिक रेंज काफी बढ़िया देखने को मिल रही है, डिटेल इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी पर आपका काम चल जाएगा। फोन पोर्ट्रेट शॉट काफी बढ़िया क्लिक कर रहा है। अगर हम पोर्ट्रेट शॉट में एज डिटेक्शन की बात करें तो वहां पर मुझे बहुत कम कमी देखने को मिली है, हर बार एज डिटेक्शन कर ले रहा था, पर एक प्रॉब्लम समझ आई है। अगर आप किसी का फुल पोर्ट्रेट शॉट लेना चाहते हो तो वहां पर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है और नॉर्मल शॉट क्लिक कर देता है। बाकी इसमें 2x का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बेटर पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करता है, एज डिटेक्शन काफी बढ़िया करता है, पर थोड़े कलर चेंज हो जाते हैं, फोटो ब्राइट हो जाती है। फोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, फोटो में डिटेल काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अगर हम कलर की बात करें तो वो नेचुरल इतने ज्यादा तो देखने को नहीं मिलते हैं, फिल्टर थोड़ा देखने को मिल जाता है, फोटो थोड़ी सुंदर बना देता है, पर सेल्फी कैमरा का जो काम है वो पूरी तरीके से कर देता है। कैमरे पर डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर आप इस फोन को कैमरे के लिए बाय करने का सोच रहे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लेना। फोन में 5200mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि पहले से अपग्रेडेड है, लेकिन चार्जिंग 45W ही सपोर्ट करता है। लास्ट टाइम Realme 12 Pro में 67W की चार्जिंग देखने को मिलती थी, तो ये एक डाउनग्रेड है। फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है, अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आराम से एक दिन से ज्यादा बैटरी चल जाती है। मैंने फोन को टेस्टिंग के लिए नॉर्मली भी यूज किया, हाई लेवल भी यूज किया, और अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 7-8 आवर स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है। गेमिंग में भी बैटरी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। BGMI कंटिन्यू 2 घंटे
घंटे तक खेलने पे 33% बैटरी ड्रेन हुई है, जिसमें पहले घंटे में 16% और दूसरे घंटे में 17%। और इसमें हमने एक घंटे तक 4K रिकॉर्डिंग भी करके देखी, जिसमें 19% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला। तो ओवरऑल बैटरी ड्रेन के हिसाब से फोन में कोई इशू नहीं है। तो अब इस फोन को लेकर सारी बातें कर ली है, अब सवाल आता है इस फोन को बाय करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जिस प्राइस पर ये लॉन्च हुआ है 27,000 रुपए पे, उस प्राइस पर तो इस फोन को बिल्कुल नहीं खरीदना है, काफी ओवर प्राइस फोन है। क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर हम दूसरे फोन की बात करें तो Realme का खुद का फोन Realme GT 60 मिल जाएगा, OnePlus Nord 4 डिस्काउंट के साथ इसके आसपास मिल सकता है, बिना डिस्काउंट के तो ये फोन ओवर प्राइस है। और अगर आप डिस्काउंट के साथ इस फोन को खरीदते हैं तो फिलहाल ये 24,000 रुपए में मिल रहा है, आने वाले टाइम में और भी कम हो जाएगा। तो करंट के टाइम पर अगर ये फोन आपको आने वाली सेल में 22,000-23,000 रुपए में मिलता है, तो फिर भी मैं इस फोन को आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से ये फोन काफी बेहतर है। और जो मैं ये 22,000-23,000 रुपए बोल रहा हूँ, तो ये मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इस समय का प्राइस है। अगर आप ये वीडियो 6 महीने बाद 1 साल बाद देखते हैं तो तब इसका प्राइस कुछ और हो सकता है। बाकी इस फोन को लेकर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।